जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एंड्रॉयड के एक शौकीन हैं तो मैं बताता हूँ। देखो गूगल देखो कहाँ पहुँच गया, पहले गूगल कहाँ था वो कहाँ पहुँच गया। तो गूगल के यही फीचर्स के बारे में अभी बता रहा हूँ, वीडियो पर बने रहिए। देखिए गूगल पहले कुछ नहीं था, नॉर्मल था, आप लोग खुद इस्तेमाल करोगे। जो गूगल फिर एंड्रॉयड लाया तो क्या किया, अपने फ़ोन में बदलते गया। अब देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ ये लेके आया है गूगल, एक चीज़ और लेके आया है आप सभी के स्मार्टफोन में। अब वो क्या लेके आया, एंड्रॉयड जो बीटा अभी चल रहा है, किस चीज़ का बीटा, 12 का। तो 12 में एक फीचर्स दिया है, क्या आपको दिया है, गेस्चर मोशन वाला। वो क्या फीचर्स है वही बताता हूँ। देखो धीरे धीरे करके सब बदलते जा रहा है गूगल, एक चीज अच्छा लेके आया, गेस्चर मोशन। उसका क्या नाम है, जो होल्ड और प्लस की होती है, जो होल्ड की और वॉल्यूम अप की, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पावर को अनलॉक अनलॉक कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, मैं थंबनेल में दिखाया हूँ ना, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो गूगल देखो कितना आगे बढ़ते जा रहा है, पहले कहाँ था अब कहाँ पहुँच गया है। तो इसी चीज को बता रहा हूँ, कह के नए नए एक से एक फीचर्स भी दे दिया गूगल, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो गूगल को। तो अभी फिलहाल देखते हुए एंड्रॉयड का जो बीटा आया है 12, एंड्रॉयड 12, उसमें फंक्शन अभी आ चुका है। वो यही है कि जब भी आप पावर बटन और वॉल्यूम को दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन लॉक अनलॉक होने लगेगी। एक नया फीचर जो है वॉल्यूम बटन पे चला गया है। खैर अभी एंड्रॉयड 12 अभी किसी के पास हो या ना हो, अभी अधिकतर लोगों के पास नहीं होगा, अधिकतर ये पिक्सल के फोन में दिया गया है। तो पिक्सल जो चला रहा होगा वो बहुत फायदेमंद होगा। और रही बात दोस्तों पिक्सल की, ये खासियत है देखिए, वो गूगल का खुद का बनाया हुआ एक अपना खुद का स्मार्टफोन है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो बाकी एंड्रॉयड एक तरफ और पिक्सल एक तरफ, तो पिक्सल की बात अलग ही है दोस्तों, वो हर चीज में आगे है। और अभी जो बीटा है सबसे पहले पिक्सल को ही मिलेगा, पिक्सल के सभी डिवाइस के लिए उसको कंफर्टेबल बनाया गया है, तो उस हिसाब से वो कंफर्टेबल उस पर वो बैठेगा। तो वीडियो को देखे होंगे तो समझ में आया होगा, अब इसको करेंगे कैसे टेक्निकली ये भी बता देता हूँ। देखिए जैसे आप असिस्टेंट चालू करते होंगे तो उसके थ्रू वो काम करेगा। असिस्टेंट में अभी क्या काम करता होगा दोस्तों, आप गूगल के थ्रू गाना सुन लेते होंगे या बहुत वीडियो देख लेते होंगे या किसी को खोज लेते होंगे, सर्च मारते होंगे। अब उसमें क्या होगा, गूगल के थ्रू आप उस पर अपने फोन को वर्क करा सकते हैं, कॉल करा सकते हैं, पावर लॉक अनलॉक, बहुत सारे ऐसे फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं। अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो अपने उसमें जाके वो एंड्रॉयड बीटा जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जाके वो जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों उसमें वो फंक्शन मिल गया है। तो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, और भी गूगल की इसी तरह की तकनीक अभी और आती जा रही है। तो अगर अभी पुराने फ़ोन एंड्रॉयड 11 में है तो दोस्तों आपको फीचर्स नहीं मिलेगा। अगर आप 12 में चले गए हैं नया फ़ोन लेके, या फिर आपको एक अपडेट मिल गया है तो उसके थ्रू आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं।